मीरा भाईंदर महानगर पालिका में शासक और प्रशासक दोनों के तौर पे आयुक्त दिलीप भोले जी काम कर रहे हैं और आज उन्होंने एक बेहतरीन बजट पेश किया। ना बेहतरीन तरीके से अगर वो बजट पेश कर पाए मीरा भाईंदर महानगर पालिका, तो उसकी एक बड़ी वजह मुझे ये लगती है, तो इनके 1.5-2 साल के काम में ये वॉक विद कमिश्नर किया इन्होंने, पर्यावरण से लेकर के बहुत बड़ा एक वृक्षारोपण जो है CSR कंपनी से मिल करके जो है उन्होंने वो किया, करीबन 10,000 पेड़ अभी हाल में लगाए। दूसरी बात, अगर सौंदर्यीकरण की बात करें तो मीरा भाईंदर को देखेंगे कि आप जगह जगह जहां जहां पे खूबसूरत किया जा सकता है, देखने में अच्छा किया जा सकता है, साफ सफाई किया जा सकता है, उन सब पे भी काम किया, स्कूलों पे भी काम किया। और जो मेन अभी जो दो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मीरा भाईंदर को भरपूर पानी मिले और मीरा भाईंदर के लिए पूरे जो कंक्रीट के रोड है, यानी रोड अच्छा हो, रोड की व्यवस्था अच्छा हो, इस पे उन्होंने ध्यान दिया है। और इसके लिए अगर बजट में जो अमाउंट है वो काफी बड़ा है, 500 करोड़ के आसपास का, तो सिर्फ मैं अगर बात करूँ तो पानी के लिए ही, और जो है क्योंकि पानी की सारी व्यवस्था तो हो रही है लेकिन पानी स्टोरेज करना, पाइपलाइन बिछाना, ये सारा चीज भी तो चाहिए होगा आपको 24 आवर्स में। इसी तरह से जो है कुछ पैसे जो है कमी पड़ रही थी कॉन्क्रीट रोड को लेकर के, उसके लिए। तो अगर मैं बजट देखूं ओवरऑल, तो पिछले अगर मैं बात करूं पिछले साल की, तो 1817 करोड़, यानी 1817 करोड़ के आसपास का जो है बजट था, और इस बार जो बजट है वो 2174 करोड़, यानी करीबन 2174 करोड़ का बजट है जो, और इस बजट में हर सेक्टर के लिए एक फंड रखा गया है। उसके डिटेल्स में स्क्रीन पे चला दूंगा कि किस सेक्टर को कितना फंड दिया गया है, लेकिन ये इतना बेहतरीन बजट अगर वो बना पाए तो उसकी वजह ये है कि उन्होंने खुद से रोड पे जा करके लोगों की समस्या को देखा, हर समस्या पे काम किया, और इसी वजह से शायद ये बजट इतनी अच्छी तरह से बन पाया। आइए जानते हैं इन सारे मुद्दों पे आयुक्त दिलीप भोले जी ने क्या कहा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये बताऊंगा कि आज 13 मार्च 2023 को मेरा भाईंदर महापालिका का 2023-24 का सुधारित अंदाज पत्र, 23-24 का मूल अंदाज पत्र, 22-23 का सुधारित, 23-24 का मूल अंदाज पत्र बजट सादर किया गया है। और कौन सा भी इसके अंदर टैक्स का बढ़ोतरी नहीं, कौन सा भी टैक्स का उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं, कोई करवाड़ किया नहीं, बिना करवाड़ किया हुआ हरित स्वच्छ सुंदर एनवायरमेंट का जतन संवर्धन करने वाला ये बजट दिया है। इसके अंदर दिव्यांग जो रहते हैं, महिलाओं रहते, बच्चे लोग रहते, उनके लिए भी अच्छा ये दिया है, मेडिकल फैसिलिटीज का दिया है। ये साल में उत्तर में जो कचरा है पूरा की पूरा आने वाले 4-5 महीने में खत्म करेंगे, उसके लिए बायो माइनिंग के लिए अलग से प्रोसेसिंग का बजट के अंदर प्रोविजन कर दिया है। ये बजट कौन किसी भी टाइप का करवाड़ किया नहीं, और मीरा भाईंदर वासियों के लिए ये बजट सेविंग का बजट है, 25 लाख रुपए का टोटल बजट है सेविंग करके रखा है। सर, लोक लुभावन किसी भी सियासी पार्टी का छाप न छोड़ने वाला बजट, प्रशासकीय बजट बनाते वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और 25 लाख का अतिरिक्त बजट आपने पेश किया, क्या कहेंगे? ये रियलिस्टिक बजट सादर किया, इसके अंदर कोई प्रशासक होने के कारण भी, और जो भी लास्ट ईयर का जो रिवाइज बजट है और ये साल का जो मूल अंदाज पत्र है बेसिक बजट है, और भी सादर कर दिया है जो रियलिस्टिक बजट और ट्रांसपेरेंट बजट जो भी है, जितना पैसा प्रोविजन कर दिया, आर्थिक नियोजन कर दिया, वो नजर रखते हुए आने वाले मीरा भाईंदर महापालिका की जरूरत क्या है, सिटी के लोगों के बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक जो जो चीज की जरूरत है चीज सामने ध्यान में रखते हुए ये बजट बना। सर, सामान्य जनता को किस तरह का फायदा होगा इस बजट से? सबसे पहला फायदा है कोई टैक्स का बढ़ोतरी नहीं, दूसरी चीज मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर अच्छी तरह से किया है, तीसरा शिक्षा के लिए अच्छा प्रोविजन करके रखा है, चौथा है या ये सिटी में कोई कचरा नहीं है, ये सिटी कचरा नहीं करने का, साथ साथ में जो उत्तम डंपिंग ग्राउंड पे कचरा आने वाले 30 जून तक या 15 जुलाई तक उधर जितना सालों साल से कचरा है वो भी कचरा हम जीरो पे लाए, ऐसा अलग अलग किया है। उसके लिए सीनियर सिटीजन से लेकर छोटे बच्चों तक सबको उसका फायदा होगा। सर, 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 अंतिम बजट है या प्रस्तावित बजट? ये प्रस्तावित बजट। अंतिम बजट कब तक आएगा?
नहीं, अभी तो अंतिम बजट अगर जरूरत लगा है तो उसके अंदर फिगर रिवाइज हो जाता है, और ये लास्ट ईयर का जो बजट था उसको अंतिम ये साल किया जाता है, ये साल का बजट है अगले वाले 31 मार्च तक अंतिम। सर आपने दोबारा इस बजट को पेश किया गया, इससे पहले प्रशासकीय बजट शासकीय बजट था, इस बार प्रशासकीय बजट है, क्या कहेंगे? दोनों बजट तो ऐसा सेम है, जो सिटी की जरूरत है और अपने पास जो आमदन है वो दोनों सामने रख के ये बजट बनाया जाता है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये साल में हमने 20 करोड़ से ज्यादा रिकवरी कर दी है। अभी तक हमने 200 करोड़ का टारगेट रखा है, उनमें से 160 करोड़ का जो टप्पा है उसके अंदर जो बेस है वो हमने रिकवर कर दिया है। आने वाले अभी भी हमारे 15-20 दिन है, उसमें हम 200 करोड़ तक जरूर पहुंचेंगे। तो आज तक का रिकवरी में से प्रॉपर्टी टैक्स का ये साल में हाइस्ट रिकवरी होगा।